हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आज हमारा जयपुर में दूसरा दिन है। कल हम गए थे चोखी ढाणी और आज हम सबसे पहले जाएंगे जल महल। जल महल जाने से पहले कुछ शॉपिंग हो जाए। जयपुर के मॉल्स में आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ के मॉल्स भी ऐसे ही हैं जैसे अदर स्टेट मॉल्स होते हैं। राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए यहाँ की लोकल मार्केट्स बेस्ट हैं, जैसे कि जौहरी बाज़ार, चांदपोल बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, किशनपोल बाज़ार। सबसे पहले हम आए हैं जूती की शॉप पे। एक्चुअली मुझे जूतियाँ बहुत पसंद हैं, तो हम जूतियाँ देखेंगे यहाँ से। भैया वो वाली जूती दिखाना। फिर हम गए बैग्स की शॉप पे। यहाँ पे सुंदर सुंदर लेदर के बैग्स हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर बैग्स हैं। ये है जल महल। इसे राजा जयसिंह ने 1799 में बनवाया था। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। इस महल का निर्माण राजा ने अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। जल महल के सामने भी एक अच्छी मार्केट है। यहाँ भी राजस्थानी चप्पल, जूतियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेकोरेशन के लिए छोटी मोटी चीज़ें, बच्चों के लिए टॉयज मिलेंगे। देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद 150 वाली चीज़ 140 में खरीदी है मैडम ने। यहाँ घूमने आओ तो राजस्थानी ड्रेस पहन के फोटो क्लिक करवा सकते हो और इन ड्रेसेस का रेंट है 100 रुपये।